आ गया आ गया। किसी का मोबाइल जो लेता हो ना महंगा मोबाइल है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है कोविड के साथ। मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई भी हमारा साथी सपोर्टिंग स्टाफ या कोई भी प्लेयर कहीं से भी अगर ऐसा कोई इशू आए उसको अलहदा करके बाकी टूर्नामेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि फैंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है। इस साल बहुत अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कि इस साल अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें। पर्सनली आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक लीडर के तौर पर साबित करने की। आई थिंक एज ए बॉलर उसने पूरी दुनिया में साबित किया है, हम सब उसके फ़ैन हैं। किसी का मोबाइल जो लेता है ना महंगा मोबाइल है जी। अभी चंद दिन रह गए PSL में, तो किस तरह अहम है ये वाले मैचेस जिससे कि आप लोग लाहौर के अंदर जी ये प्री कैंप है और हमने मकसद यही है कि तमाम प्लेयर्स आपस में इकट्ठे हों, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए ताकि जो दो वीक के बाद जो एक जो PSL 7 स्टार्ट होने वाला है दो ढाई वीक के बाद उसके लिए हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है, वो उसमें तैयारी कर सकें हम सब लोग मिलकर। और एक दूसरे को जितना ज़्यादा जब आप टाइम गुजारते हैं प्री कैंप्स में उतना ज़्यादा आपकी आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसका मकसद सिर्फ यही है। I think personally I wish him all the best, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक लीडर के तौर पर साबित करने की। आई थिंक एज ए बॉलर उसने पूरी दुनिया में साबित किया है, हम सब उसके फ़ैन हैं और आई एम श्योर कि इस फील्ड के अंदर भी जब वो आया है तो हम सब ने उसको सपोर्ट करना है। मेरे साथ जब उसकी पर्सनल बात हुई तो मैंने भी उसको यही बात की कि बस अपनी क्रिकेट इन्जॉय करे और कोई भी जिम्मेदारी कोई भी जो ऐसी चीज़ है जिसको उसको लगता है कि उसको हैंडल करने में मुश्किल हो रही है तो हम हाजिर हैं उसके सारे प्रेशर्स लेने के लिए। सो आई एम श्योर कि ही विल इन्जॉय दिस मोमेंट दिस अपॉर्चुनिटी और मैं ज़ाती तौर पर उसके लिए बहुत दुआ गूँ जी। ज़रूर मेरा साथी है और टीम के जीतने के लिए हमेशा से जो भी मुझे जितनी समझ है वो ज़रूर मैं पास ऑन करूँगा जब भी पूछा जाएगा। एंड आई एम श्योर ही विल डू ग्रेट जॉब क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग वो क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैं उसको अपने साथ वो मेरे साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था तो उसको एज ए बॉलर बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ही नोज़ कि कैसे उसने डिलीवर करना है। तो आई एम श्योर कि जो बंदा उस लेवल पर अच्छा कामयाब हो सकता है वो इस रोल के अंदर भी कामयाब हो सकता है। हफीज़ भाई एज़ कम्पेयर विद अदर PSL इसमें ज़्यादा लोकल प्लेयर्स हैं, अभी सेकेंड राउंड में भी मोस्टली पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठाया गया और यंगस्टर्स हैं, तो कैसा आप फ्यूचर देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप की जर्नी के बाद? अब नया एक पाकिस्तान क्रिकेट का एक फेस सामने आ रहा है। देखिए मैं ज़ाती तौर पर तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। इस स्टेज के ऊपर आके जो अपॉर्चुनिटी मिलती है सिर्फ उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास जो अपने टैलेंट को शोकेस करें अंडर प्रेशर सिचुएशंस के अंदर। लेकिन आई थिंक अगर किसी प्लेयर ने अपने 6 माह जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है वो 5 माह खेलता है उसमें अपने आप को प्रूव किया है तो उसकी वर्थ या उसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हफीज़ भाई अब मुश्किल टाइम में PSL हो रही है, कोविड है, ओमिक्रॉन है, ये कितना खुशाइन समझते हैं कि क्रिकेट कंटिन्यू है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिशें कर रहा है कि प्रोटोकॉल्स बनाए जाएँ और अगर खुदा ना खास्ता कोई केसेज ज़्यादा आते हैं तो मुलतवी करें और फिर दोबारा रीशेड्यूल करें, तो ये कितना अच्छा है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हमने ज़िंदगी गुजारनी है कोविड के साथ और पिछले 2 साल में हम सब लोग बहुत मेच्योर हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी प्रिकॉशंस को फॉलो करने की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम मेजरमेंट्स तमाम प्रिकॉशंस को जो है हमें भी रिस्पॉन्सिबली उसको अडॉप्ट करना है और उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को भी मैं समझता हूँ कि अगर कोरोना की इफ़ेक्टेड हो जाता है तो उसको उसकी वजह से टूर्नामेंट बंद नहीं होना चाहिए, टूर्नामेंट कंटिन्यू होना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई भी हमारा साथी सपोर्टिंग स्टाफ या कोई भी प्लेयर कहीं से भी अगर ऐसा कोई इशू आए तो उसको अलहदा करके बाकी टूर्नामेंट को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इसको पोस्टपोन करके मिलने वाला कुछ नहीं है। आपको दोबारा से फिर रीशेड्यूल बहुत मुश्किल होता है, पिछली मरतबा हमने देखा कि वो मज़ा नहीं आया पाकिस्तान का जो PSL वहाँ पर जाकर UAE के अंदर किया गया। तो अगर अल्लाह ना करे इस लाइफ के अंदर अगर ये अगर किसी को इफेक्ट करे भी तो टूर्नामेंट कंटिन्यू होना चाहिए। आप लोग फाइनल तक एक बार लाहौर को ले आए और फिर अब 7वां एडिशन है तो लाहौर से तवक्कात बढ़ी है और आप क्योंकि बड़ा नाम है तो लाहौर के फैंस को क्या कहेंगे? जी मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ कि फ़ैन्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई हैं, लेकिन एवरी टाइम जब हम अंदर जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको पूरा कर सकें।
इस साल बहुत अच्छी टीम है, दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश करके हम लोग ग्राउंड में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल अपने फैंस की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकें।